हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है ओ जयू आर्ट क्राफ्ट एंड इवेंट्स। दोस्तों, आज मैं आपको एक स्टील की डब्बी में से कुमकुम दानी को डेकोरेट कैसे कर सकते हैं स्टोन और वॉल चेन की मदद से, ये बताने वाला हूँ। सो वीडियो आप एंड तक देखिए, बहुत ही अच्छी तरीके से हम डेकोरेट करने वाले हैं, क्योंकि हम एक और वीडियो बना रहे हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि आप आरती की जो थाली होती है वो कैसे डेकोरेट कर सकते हैं और इसके अंदर आप कुमकुम दानी कैसे रख सकते हैं, सब कुछ आपको बताऊंगा। आज फिलहाल मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कुमकुम दानी कैसे बना सकते हैं। सो वीडियो एंड तक देखिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमें लाइक करें, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करें, पास में जो बेल आइकन है उसको हिट कर दें ताकि आपको हमारा आने वाला हर नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। सो दोस्तों, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले इंट्रो। कुछ इस तरह से आप छोटी सी स्टील की डब्बी को एक कुमकुम दानी का रूप दे सकते हैं। मैं आपको फिर से करके दिखाऊंगा, ये मैंने पहले से ही प्रिपेयर करके रखी है। जिसके लिए आपको चाहिए एक छोटी सी स्टील की डिब्बी, और उसको हम डेकोरेट करेंगे कुछ इस तरह से, आप देख सकते हैं। सो इसके लिए आपको चाहिए एक स्टील की डिब्बी, ये स्टोन्स, डायमंड चेन, बॉल चेन, यहाँ पे मैं गोल्डन और रेड कलर की बॉल चेन ले रहा हूँ, और ये एक्रेलिक ग्लू। आप चाहें तो इसमें और भी कुछ ऐड कर सकते हैं, या फिर इसकी साइज छोटी बड़ी आप जो भी चाहें वो रख सकते हैं। सबसे पहले आपको इसको ग्लू लगा के इसके ऊपर स्टोन चिपकाना है और इसको सेंट्रलाइज करना है। इसके आसपास हमें डायमंड चेन लगानी है कुछ इस तरह से, और एकदम आसान तरीके से ये चिपक जाएगा। इसके बाद हमें ये बॉल चेन लगानी है। यहाँ पे मैंने ये सारी चेन पहले से ही इसकी साइज के हिसाब से कट करके रखी है। अगर आप चाहें तो आप इसके साथ ही कट कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको जल्दी से दिखा सकूं इसलिए पहले से ही इसके नाप का कट करके रखा हुआ है सब कुछ। आपको इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से चिपका देना है बॉल चेन को। देखिए, ये जो रेड चेन है ये इस तरह से मैं चिपका रहा हूँ। बस आपको एक मेजरमेंट और इसकी जो साइड बाय साइड है उसका ही ध्यान रखना है। आप चाहें तो किसी और पैटर्न में भी इसको तैयार कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ये राउंड शेप में ही प्रिपेयर कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं, ये राउंड शेप में ही मैंने यहाँ पे इसको तैयार किया है। अब मैं इसकी ये जो कॉर्नर वाली जगह यहाँ पे जो बचती है वहाँ पे भी मैं ये डायमंड चेन लगा दूंगा, और ये इसकी जो साइड है वो भी मैं एकदम कंप्लीट कर दूंगा। ये देखिए कुछ इस तरह से, ये स्टील की डिब्बी है। इसके अलावा आप कोई प्लास्टिक की डिब्बी या फिर कोई और मटेरियल की भी डिब्बी ले सकते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ पे स्टील की इसीलिए ली है कि ये एक तो वेट में बहुत ही हल्की है, साथ ही स्टील होने की वजह से ये टूटने का भी कोई डर नहीं रखता। आप चाहें तो किसी और मटेरियल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको इस तरह से ग्लू को लगाते जाना है। फिलहाल मैं ये जो कुमकुम दानी प्रिपेयर कर रहा हूं ये आरती की थाली के लिए कर रहा हूं। इस वीडियो के बाद हम आरती की थाली भी डेकोरेट करने वाले हैं, उसका भी वीडियो मैं आपको जल्द ही दे दूंगा अपने चैनल पर, आप वो भी देख लेना। क्योंकि अभी नवरात्र आने वाले हैं तो हम नवरात्रि के इस त्योहार पर अपने घर पर ही अच्छी तरीके से माँ दुर्गा की पूजा करेंगे, और इसके लिए हमें आरती की थाली तो चाहिए ही चाहिए। इसी के साथ मैं और एक भी वीडियो अपलोड करने वाला हूं जो है गरबा डेकोरेशन का। आप अपने घर पर गरबा कैसे डेकोरेट कर सकते हैं उसका भी एक वीडियो मैं इसके बाद लाने वाला हूं।
सो फिलहाल मैं आपको ये डिब्बी कैसे तैयार कर रहा हूँ ये दिखा रहा हूँ। आपको इस तरह से पूरी चेन लगा देनी है। मैं यहाँ पे आपको जल्दी से दिखा रहा हूँ क्योंकि आप एकदम आसान तरीके से समझ सकें, इसीलिए ये देखिए बस इस तरह से आपको प्रिपेयर करते जाना है और ये पूरी डिब्बी आपकी तैयार हो जाएगी इस तरह से। और आपको इसे सूखने के लिए करीबन 1-1.5 घंटा रखना होगा, तभी जाके ये सूख सकती है अच्छी तरीके से डिब्बी। ये मैंने पहले से ही आपको बताया कि कट करके रखा हुआ है, इसीलिए इसकी साइज के हिसाब से ही जल्दी से चिपक रहा है। ये देखिए ये हो गई तैयार। सो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि आप किस तरह से एक छोटी सी स्टील की डब्बी को अच्छी तरीके से बॉल चैन, स्टोन और डायमंड चैन की मदद से डेकोरेट करके कुमकुमदानी बना सकते हैं। आप भी अपने घर पर इस तरह से बनाइए और अपने मंदिर के अंदर कुमकुमदानी को रखिए। बहुत सारे अच्छे अच्छे ओकेशंस पे भी आप इस कुमकुमदानी का उपयोग कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि आप अपने घर पर आरती की थाली किस तरह से डेकोरेट कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। सो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।